तो जैसे हम लोगों ने अभी प्रीवियस डिस्कशन किया, और प्रीवियस डिस्कशन के बेसिस पर कम से कम हमें ये बात तो पता चल गई है करके कि अगर आपके पास लेट से ट्राइंगल वन और अगर आपका ट्राइंगल टू ये दोनों सिमिलर हैं, तो ऐसे केस में जो एरिया वन बाय एरिया टू अगर अपन करते हैं तो उसको साइड्स के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम लोग हाइट के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, और उसी पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग मीडियन के रिस्पेक्ट में भी क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो हाइट वाला क्वेश्चन तो मैं प्रीवियस वीडियो में ही बता चुकी हूँ करके, अब उसी के जैसा एक इलस्ट्रेशन और देखो। तो ये आप लोगों को बोला जा रहा है कि आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं जिनका एरिया 81 है एंड 49 है करके, राइट। तो मान लेते करके कि लेट आपका ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, एंड लेट या फिर उसके स्टेटमेंट हम लोग को कैसे बनाते हैं कि लेट का ए आप लोगों का ए एंड बी एंड आर क्यू आर, ठीक है, टू सिमिलर टू सिमिलर ट्राइंगल या दो सिमिलर ट्राइंगल, दो सिमिलर ट्राइंगल बराबर के बराबर। और अलावा के अलावा यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आप लोगों के पास जो वो आपकी एंगल ए वो आप ट्राइंगल ए कितना दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर और स्क्वायर, तुम लोगों के पास जो तुम लोगों के पास आर है इसका आर है वो किसका दिया हुआ है करके 49 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है फाइंडर एक बोल रहा है फाइंडर एक शॉट है करस्पोंडिंग लाइक, पहले तो मुझे पहले तो मुझे बनाना पड़ेगा फिगर बनाना पड़ेगा, मैंने ये फिगर बनाया मैंने ये फिगर बनाया इसको मैंने डीआर ट्राइंगल का नाम दिया ट्राइंगल का नाम ए बी और इसकी मुझे एक हाइट ड्रा करनी पड़ेगी, तो लेट पहले मैंने ये लेट पहले मैंने ये इसको मैंने एक नाम दिया मैंने वो का दिया आप लोगों का, फिर वैसे ही बाद में एक दूसरा ट्राइंगल क्रिएट कर लेते हैं। ये आ गया आपके पास दूसरा ट्राइंगल, ये हो गया पी, यहाँ पे आ गया क्यू, यहाँ पे आ गया आर, इसकी लेट से मैंने एक परपेंडिकुलर, अच्छा यहाँ पे ऑलरेडी मैं पी दे चुकी हूँ तो इसको कुछ टी कर दूँ, और इसको मैंने लेट से यू कर दिया, ठीक है, तो ये मैंने ट्राइंगल बना लिया। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं कि लेट आपका एटी परपेंडिकुलर है किस चीज के, आपके साइड बी सी के, एंड साथ ही साथ में जो आप लोगों का पी यू है वो परपेंडिकुलर है किसके, साइड पी क्यू आर के करके, ठीक है, ये उनका क्या है आपके हाइट से करके। तो ऐसे केस में अगर आप लोग यहाँ पे वो थ्योरम अप्लाई करोगे, ठीक है, बाय थ्योरम ऑफ रेशियोज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल करके, तो यहाँ से एक चीज़ तो तुम लोगों को पता चल जाएगी करके, वो ये कि आपके पास जो पहला ट्राइंगल है यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका पी क्यू आर, ये किसके बराबर होगा, उनकी हाइट्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर, यानी कि 80 स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा पी यू स्क्वायर, ठीक है। अब ए बी सी ट्राइंगल का एरिया कितना दिया है 81/49। अब एक बात याद रखना है यहाँ पे पगलों के समान, ठीक है, आप ये मत कर लेना करके जैसे इसको मैं दूंगी डिवाइड डिवाइड करने का चक्कर मत कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन में ये देखो इस तरफ स्क्वायर है तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लोग क्या कर लेते हैं स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो जब तुम दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो 81 का 9 हो जाएगा 49 का 7 हो जाएगा, तो इस तरीके से आप लोगों के जो ट्राइंगल थे उन ट्राइंगल की हाइट का रेशियो कितना आया है आपका 9/7 आया है। तो देखो यही वो तुमसे पूछ रहा था करके व्हाट इज़ दी रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स, तो वहाँ पे तुम लिख सकते हो करके कि 9/7। अब साथ ही साथ में वो ये पूछ रहा है कि व्हाट इज़ दी रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग मीडियंस, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखो कि अगर आपके दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो आप वहाँ पे उनके जो एरिया का रेशियो होता है वो आप उसके साइड्स के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हो, हाइट्स के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हो, मीडियन के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो। तो यानी कि यहाँ से कम मुझे ये बात तो समझ में आती है कि हाइट वन स्क्वायर अपॉन हाइट टू स्क्वायर क्या हो जाएगा, मीडियन वन का स्क्वायर अपॉन मीडियन टू का स्क्वायर बराबर, दोनों के लिए सेम ही आएगा वो रेशियो। तो देयर फोर अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूँ तो ये पता चल जाएगा कि एच वन बाय एच टू किसके बराबर आ रहा है आप लोगों के एम वन बाय एम टू के, और अब एच वन बाय एच टू तुम्हें दिया हुआ कितना है, ये रेशियो देखो हाइट का रेशियो कितना है 9/7, इसको इक्वेशन नंबर वन दे देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा ये 9/7। तो अगर हाइट का रेशियो 9/7 है तो मीडियन का रेशियो भी कितना होगा 9/7 और साइड्स का रेशियो भी कितना होगा 9/7, ठीक है। तो बस फिर ये सवाल हम लोगों का यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी दो इलस्ट्रेशंस मैं और लूँगी, उसके बेसिस पर तुम अपनी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 बना सकते हो, ठीक है, वो एक एक्टिविटी के फॉर्मेट में दिया है बट तुम उसको सॉल्व ना ईमानदारी से ही करोगे,
एंड सिमिलरली प्रॉब्लम सेट का जो क्वेश्चन नंबर 12 होगा वो भी तुम बना लोगे करके, ठीक है. बट फिर भी वो जो आपकी एक्सरसाइज 1.4 है उसका क्वेश्चन नंबर 7 और प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 12 ये मैं डिस्कस कर दूंगी कल इसके सॉल्यूशंस. बट पहले एक बार तुम खुद अटेम्प्ट करना अभी आगे आने वाले दो इलस्ट्रेशंस के बेसिस पर उसको, ठीक है.